हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियोस में हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है कंसेंट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की इंटेंशन जेन्युइन होनी चाहिए, जिसके लिए कंसेंसस एंड आइडियम का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वह सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। द टर्म कंसेंट से मतलब है एग्री करना या एक्सेप्टेंस देना। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज फ्री होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पर म्यूचुअली सेम सेंस में और सेम टाइम पर एग्री होनी चाहिए। जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं होंगी तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो गया। कंसेंट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 12 में दी गई है। सेक्शन 12 कंसेंट डिफाइन। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग दो या दो से ज़्यादा पर्संस की कंसेंट तब मानी जाएगी जब वह सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री होंगे। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए सिर्फ कंसेंट काफ़ी नहीं होगी, कंसेंट का फ्री और वॉलंटरी होना भी ज़रूरी है। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक सबसे फ्री होनी चाहिए। कंसेंट फ्री तब नहीं होगी जब वह कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक्स में से किसी एलिमेंट से इफेक्टेड हो। इसलिए क्लियरली फ्री कंसेंट का मतलब किसी भी तरह के कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से फ्री होना होता है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट से कंसेंट इफेक्टेड है तो क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि वह कंसेंट फ्री और वॉलंटरी है या नहीं। इस प्रिंसिपल को डालने का ऑब्जेक्टिव इंश्योर करना था कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली पार्टीज की जजमेंट क्लाउडेड तो नहीं है। इसलिए अगर कंसेंट कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक्स में से किसी एलिमेंट से इफेक्टेड है तो वह कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कर सकती है। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में दी गई है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट डिफाइंड। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कंसेंट को फ्री जब कहा जाएगा जब वह कोज नहीं हुई होगी। सेक्शन 14 क्लॉज 1 कोअर्जन के द्वारा, जो कि सेक्शन 15 में डिफाइंड है, या सेक्शन 14 क्लॉज 2 अंडू इन्फ्लुएंस के द्वारा, जो कि सेक्शन 16 में डिफाइंड है। सेक्शन 14 क्लॉज 3 फ्रॉड के द्वारा, जो कि सेक्शन 17 में डिफाइंड है, या सेक्शन 14 क्लॉज 4 मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जो कि सेक्शन 18 में डिफाइंड है, या सेक्शन 14 क्लॉज 5 मिस्टेक के द्वारा, जिसके प्रोविजंस सेक्शन 20, 21, 22 में दिए गए हैं। इन शॉर्ट, कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी जब वह कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड,
मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब हम आपको सब एक एक डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट है कोअर्जन। कोअर्जन की डेफिनेशन सेक्शन 15 में दी गई है। सेक्शन 15 कोअर्जन डिफाइन। कोअर्जन कोई एक्ट कमिट करना या थ्रेट टू कमिट करना, वह एक्ट जो फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड हो या अनलॉफुल डिटेनिंग हो या डिटेन करने का थ्रेट हो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वह पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तैयार हो जाए। एक्सप्लेनेशन, यह इमेटेरियल होगा कि जिस प्लेस पर कोअर्जन कमिट हुआ है वहाँ इंडियन पिनल कोड इन्फोर्स में है या नहीं। कोअर्जन किसी पर्सन के अगेंस्ट किया जाता है। फर्स्ट, कमिट या थ्रेट टू कमिट करके कोई ऐसा एक्ट जो इंडियन पिनल कोड में प्रोहिबिटेड हो या अनलॉफुल। सेकंड है अनलॉफुल डिटेन करके या थ्रेट टू डिटेन करके किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को। थर्ड है जिसकी वजह से किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़े। कंसेंट, जो कोअर्जन से ली गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नेचर का होगा। केस है अमीराजू वर्सेस शिशियम्मा। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोअर्जन किसी पर्सन स्ट्रेंजर और यहाँ तक कि गुड्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। गुड्स के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल अनलॉफुल डिटेंशन। नेक्स्ट है अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 में दी गई है। सेक्शन 16 अंडू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट अंडू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड कहा जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज का रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वह दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करके अनफेयर एडवांटेज उठा सके दूसरी पार्टी से। सेक्शन 16 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है जिसमें वह अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, ऐसा हो सकता है सेक्शन 16 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, जब उसकी रियल या अपरेंट अथॉरिटी हो दूसरी पार्टी के ऊपर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट, या वह फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो लाइक टीचर एंड स्टूडेंट, या सेक्शन 16 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, अगर वह किसी ऐसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरीली या परमानेंटली अफेक्टेड हो एज इलनेस या मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। सेक्शन 16 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन ऐसी पोजीशन में हो कि वह दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके और कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजैक्शन से पता लगता है कि वह ट्रांजैक्शन अनकॉन्शियबल थी, तब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर आ जाएगा जो डोमिनेट करने की पोजीशन में था यह प्रूव करने का कि उसने अंडू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया है। इस सब सेक्शन के प्रोविजंस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब है जब एक पर्सन दूसरे के विल को डोमिनेट करे अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अनफेयर एडवांटेज ले दूसरी पार्टी से। ऐसे बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें एक पार्टी की पोजीशन ऐसी होती है कि वह दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है। वह रिलेशनशिप्स रियल या अपरेंट अथॉरिटी के रिलेशनशिप होते हैं या फिडिशरी रिलेशनशिप होते हैं, और वह कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं जिसमें दूसरी पार्टी की मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरीली या परमानेंटली वीक होती है
एज, इलनेस या बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। अंडर इन्फ्लुएंस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेंट पार्टी पर होता है। अगर ट्रांजैक्शन अनकॉन्शियबल थी तब डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। पर्दानशीन लेडी के केस में भी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होगा जिसके बेनिफिट के लिए वह ट्रांजैक्शन हुई और उस लेडी को ट्रांजैक्शन की पूरी नॉलेज थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की भी पूरी नॉलेज थी। और इन्फ्लुएंस प्रूफ और दूसरी पार्टी को यह प्रूव करना पड़ता है कि इन्फ्लुएंस था उस पर यह प्रोविज़न इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस में हुआ है तो वह कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल नेचर का होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री कंसेंट के आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।